हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली में क्रेडिट नोट का एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लें कि किन किन केसेस में हमें क्रेडिट नोट इशू करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं और वो कस्टमर उस गुड्स को रिजेक्ट कर देता है, यानी कि उस सेल को वो रिटर्न कर देता है, तो उस केस में आप क्रेडिट नोट का एंट्री टैली में पास कर सकते हैं। अगर आप किसी कस्टमर को सेल करते हैं और उस सेल में से कुछ मटेरियल को वो कस्टमर रिजेक्ट कर देता है, तो उस केस में भी आप क्रेडिट नोट का एंट्री टैली में पास कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों, एनी अदर डिडक्शन मेड बाय कस्टमर, यानी कि इसके अलावा अगर किसी तरह का डिडक्शन कस्टमर करता है, तो उस केस में भी आप क्रेडिट नोट का एंट्री कर सकते हैं, जैसे रेट डिफरेंस, फ्रेट, पैकिंग चार्ज एक्सेट्रा। यानी कि अगर कोई रेट डिफरेंस का कटौती करता है, या फ्रेट के अमाउंट का कटौती करता है, या फिर पैकिंग चार्ज का कटौती करता है, या फिर टैक्स से रिलेटेड कोई कटौती करता है, यानी कि कस्टमर द्वारा किसी भी तरह का कटौती अगर किया जाए, तो उसका एंट्री आप क्रेडिट नोट के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, क्रेडिट नोट जो है वो आप विथ स्टॉक आइटम एंड विदाउट स्टॉक आइटम भी पास कर सकते हैं। वो सिचुएशंस पे निर्भर करता है कि आपको वहाँ पे स्टॉक आइटम लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों, क्रेडिट नोट का एंट्री जीएसटी के साथ भी किया जा सकता है और विदाउट जीएसटी भी किया जा सकता है। दोस्तों, आइए अब हम टैली में क्रेडिट नोट का एंट्री करना सीखते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद दोस्तों, हम एक सेल का एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेल वाउचर, सेल का एक इनवॉइस नंबर डाल देंगे। पार्टी नेम में हम यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको सेल लेजर में सेल लेजर को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके आगे है दोस्तों नेम ऑफ आइटम, तो जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं वो आइटम यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेडशीट अगर आप गोडाउन मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ पे गोडाउन भी सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी डालेंगे सपोज 100 पीस एट द रेट 50, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हमें सी जी एस टी और एस जी एस टी से रिलेटेड लेजर्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों कि सेल इनवॉइस में आपने फ्रेट भी चार्ज किया है, उसके साथ साथ पैकिंग एक्सपेंस को भी चार्ज किया है, तो उससे रिलेटेड लेजर्स को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेट, ठीक है, अमाउंट हम डाल देंगे। सपोज मान लेते हैं कि आपने 50 रुपीज पर पीस के हिसाब से फ्रेट चार्ज किया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। उसी तरह से अगर हम पैकिंग चार्ज यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल 100 पीस मल्टीप्लाई 20, यानी कि 20 रुपीज पर पीस के हिसाब से आप पैकिंग चार्ज यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, ये होगी आपका एंट्री कंप्लीट। इसे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टाइप्स ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज ये फ्रेश सेल का एंट्री है, ठीक है। और इसे आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। दोस्तों, ये होगी आपका सेल का एंट्री। अब दोस्तों, इस सेल करने के बाद हम सबसे पहले स्टॉक समरी में आएंगे, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ पे स्टॉक समरी में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके पास 500 पीस ओपनिंग बैलेंस था और आपने 100 पीस यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। सेल करने के बाद आपके पास कितना बैलेंस बच गया दोस्तों, 400 पीस का बैलेंस बच चुका है, ठीक है। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने जिस कस्टमर को सेल किया, वो कस्टमर पूरा का पूरा उस सेल को रिटर्न कर देता है, यानी कि सेल रिटर्न कर देता है, तो उस केस में आप डेबिट नोट का एंट्री कैसे पास करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों, हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है क्रेडिट नोट, कंट्रोल प्लस F8, ठीक है। दोस्तों, क्रेडिट नोट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्टॉक आइटम के साथ क्रेडिट नोट पास करना चाहते हैं, तो आप इनवॉइस मोड में उस क्रेडिट नोट को पास करेंगे, और अगर विदाउट स्टॉक आइटम क्रेडिट नोट पास करना चाहते हैं, तो उसे आप अकाउंटिंग मोड में करेंगे। जैसे अभी जो क्रेडिट नोट खुला हुआ है वो इनवॉइस मोड में खुला हुआ है, अगर हम इसे अकाउंटिंग मोड में ले जाना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस V प्रेस करना होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो सेल किया था, वो पूरा का पूरा सेल कस्टमर द्वारा रिटर्न कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी के साथ
क्रेडिट नोट का एंट्री पास करना है तो आप इसे क्या करेंगे, इनवाइसिंग मोड में करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ओरिजिनल इनवाइस नंबर डाल देंगे जिस इनवाइस के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। उसके बाद आप डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप कस्टमर का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेल लेजर में आएंगे, सेल लेजर में आप यहाँ पे सेल लेजर ही सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, कितना पीस सेल किया गया था दोस्तों, 100 पीस एट द रेट रुपीज 50, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी जी एस टी और एस जी एस टी का लेजर भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके साथ साथ उस बिल में आपने फ्रेट भी चार्ज किया था तो आप यहाँ पे फ्रेट भी सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट डाल देंगे कितना, 100 पीस मल्टीप्लाई 50, ठीक है दोस्तों। और साथ ही पैकिंग चार्ज भी आ जाएगा यहाँ पे 100 पीस मल्टीप्लाई 20, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपका क्रेडिट नोट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट 12,250 रुपया आ चुका है। इसे अब आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, इंटर इंटर। यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है और अगेंस्ट रेफरेंस में जिस बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट पास किया जा रहा है वो बिल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो भी नरेशन है आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो दोस्तों ये क्रेडिट नोट का एंट्री हो चुका है। अब आइए हम इसका स्टॉक समरी देखते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, स्टॉक समरी, क्लॉथ, बेडशीट, इंटर इंटर। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 500 पीस ओपनिंग था हमारे पास, हमने 100 पीस सेल किया और फिर 100 पीस का क्या हुआ, क्रेडिट नोट इशू कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, 500 का 500 ही बैलेंस बचा है, यानी कि जितना हमने सेल किया था उतना ही सेल रिटर्न हो गया, क्लियर है दोस्तों। अब आइए दोस्तों कस्टमर के लेजर को देखते हैं कि वहाँ पे क्या इफेक्ट आया। तो उसके लिए हम आ जाएंगे डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कस्टमर का लेजर। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहला एंट्री सेल का किया गया है जिसमें 12,250 रुपया का एंट्री है और दूसरा एंट्री आपने किया है क्रेडिट नोट का जो कि 12,250 रुपया का है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जितना का आपने सेल किया था उतना ही का क्रेडिट नोट भी आपने पास कर दिया है, क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इस क्रेडिट नोट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने जो ये सेल किया कस्टमर वन को, कस्टमर वन कहता है कि आपने जो मुझे 100 पीस मटेरियल सेल किया है उसमें से 20 पीस मटेरियल खराब निकल गया है ना, यानी कि कस्टमर आपके 20 पीस मटेरियल को रिजेक्ट कर रहा है, टोटल मटेरियल को रिजेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि 20 पीस मटेरियल को रिजेक्ट कर रहा है। तो उस केस में आप नोट का एंट्री कैसे पास करेंगे, तो आइए देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल F8 यानी कि क्रेडिट नोट। फिर सेम प्रोसीजर है यहाँ पे भी, आप क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, सेल लेजर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे, गोडाउन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों क्वांटिटी, कितना पीस रिजेक्ट किया गया है, तो 20 पीस रिजेक्ट किया थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 पीस डाल देंगे, ठीक है, एट दी रेट रुपीज 50, क्लियर है दोस्तों। इंटर इंटर करके आएंगे आगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सी जी एस टी एंड एस जी एस टी का भी लेजर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने इस बिल में फ्रेट भी चार्ज किया था तो हम यहाँ पे फ्रेट का भी लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछले बिल में क्या किया था, 100 पीस का 50 रुपये के हिसाब से फ्रेट चार्ज किया था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 पीस रिजेक्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कितना रिवर्स करना है, 20 पीस का ही रिवर्स करना है, तो आप यहाँ पे क्या अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे अमाउंट 20 पीस मल्टीप्लाई 50, है ना, तो कितना आ रहा है, 1,000 रुपया, तो आप यहाँ पे 1,000 रुपया डालेंगे। उसी तरह अगर हम पैकिंग चार्ज की बात करें तो पैकिंग चार्ज आपने क्या लगाया था वहाँ पे, 20 रुपया पर पीस लगाया था, है ना, तो 20 पीस यहाँ पे आप रिजेक्ट कर रहे हैं और कितना के रेट से रिजेक्ट होगा, 20 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर है दोस्तों। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम आगे आएंगे, इंटर इंटर। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है टाइप्स ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ पे भी आपको अगेंस्ट रेफरेंस ही सिलेक्ट करना है जिस बिल के अगेंस्ट में आप क्रेडिट नोट का एंट्री पास कर रहे हैं, उस बिल को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। नरेशन लिखेंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब आइए दोस्तों इसका हम स्टॉक समरी देखते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, स्टॉक समरी, क्लॉथ, बेडशीट और इंटर करके जाते हैं अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 500 आपका ओपनिंग स्टॉक था, आपने 100 पीस सेल किया और दूसरी एंट्री में आप देख सकते हैं कि 20 पीस जो है कस्टमर ने आपका रिटर्न कर दिया जिसके अगेंस्ट में आपने क्रेडिट नोट का एंट्री पास किया है। तो आपके पास अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया, 420 पीस क्लोजिंग बैलेंस
बच चुका है। अब आइए दोस्तों कस्टमर का लेजर हम देखते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर कस्टमर वन। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 12,250 रुपये का आपने सेल किया था, जिसमें से 2,450 रुपये का आपका सेल रिटर्न हो गया है। क्लियर है दोस्तों, यानी कि अब आप उस कस्टमर से कितना पेमेंट लेना है, तो 9,800 रुपये आपको उससे पेमेंट लेना है। क्लियर है, ये तो हो गई दूसरी कंडीशन। अब दोस्तों अगर मान लेते हैं कि आपने जो ये सेल किया 100 पीस एट द रेट ऑफ रुपीज 50, ठीक है। अब आपका कस्टमर कहता है कि नहीं भाई, हम आपको 50 रुपये के हिसाब से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको हम 40 रुपये के हिसाब से ही पेमेंट करेंगे, है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप कस्टमर जो है आपको एक डेबिट नोट इशू करेगा और उस डेबिट नोट के अगेंस्ट में आप एक क्रेडिट नोट का एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 रुपये के हिसाब से आपने सेल किया है, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि हम 40 रुपये के हिसाब से ही पेमेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे रेट का डिफरेंस हो गया। और वो डिफरेंस कितने रुपये का है दोस्तों, वो है 10 रुपये का डिफरेंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका एंट्री हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस एंट्री को डिलीट कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब दोस्तों रेट डिफरेंस का एंट्री हमें पास करना है। तो दोस्तों यहीं पे हम एक फ्रेश एंट्री ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस ए, ठीक है, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रेडिट नोट, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग रेट डिफरेंस का क्रेडिट नोट इशू करने वाले हैं, तो हमें स्टॉक आइटम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे वाउचर बोर्ड में ही एंट्री करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, यहाँ पे हम अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अमाउंट कितना होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 100 पीस का 10 रुपये के हिसाब से रेट डिफरेंस का क्रेडिट नोट का एंट्री कर रहे हैं। 100 पीस का 10 रुपये के हिसाब से कितना अमाउंट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1000। तो आप यहाँ पे ये अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है टाइप्स ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे आप अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, जिस बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू हो रहा है उस बिल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों डेबिट अमाउंट में क्या होगा, तो डेबिट साइड में दोस्तों यहाँ पे आएगा सेल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि रेट डिफरेंस का एंट्री करने से आपका सेल उतने अमाउंट से घट जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप सेल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। सेल अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो आप यहाँ पे नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करने से क्या होगा कि जब आप स्टॉक समरी देखेंगे तो वहाँ आपको एक्चुअल वैल्यू दिखेगा, है ना। हम आगे देखेंगे कि स्टॉक समरी में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लेना है, गोडाउन में आपको लेना है गोडाउन ए, क्वांटिटी में आपको कुछ नहीं डालना है क्योंकि क्वांटिटी रिटर्न नहीं हो रहा है, आप सिर्फ रेट डिफरेंस का एंट्री पास कर रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा दोस्तों कितना, 1000, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, नैरेशन लिख करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। क्लियर दोस्तों, तो ये क्रेडिट नोट का एंट्री हो चुका है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1000 रुपया से कस्टमर वन का बैलेंस घट चुका है। अगर हम सेल्स अकाउंट की बात करें तो सेल्स अकाउंट के लेजर में भी जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि पहले सेल्स अकाउंट के लेजर में 5000 रुपया दिख रहा था, ठीक है, लेकिन क्रेडिट नोट एंट्री करने के बाद सेल्स अकाउंट का बैलेंस 4000 रुपया ही बचा है। क्लियर है। अब आइए दोस्तों स्टॉक देखते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली, स्टॉक समरी, क्लॉथ, बेडशीट, इंटर, एंटर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, आपके पास 500 पीस बेडशीट था एट द रेट रुपीज 50, वैल्यू कितना था, 25000 रुपया, ठीक है, 25000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस था आपके पास। आपने 1 तारीख को एक सेल किया 100 पीस का एट द रेट रुपीज 50, यानी कि 5000 रुपया का आपने सेल किया, ठीक है। तो 5000 रुपया का सेल करने के बाद आपका बैलेंस कितना बचा दोस्तों, 25000, ठीक है। अब आप दूसरा एंट्री देखें इसमें, जो कि क्रेडिट नोट का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1000 रुपया यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, क्वांटिटी में कुछ भी माइनस में नहीं दिख रहा है, लेकिन वैल्यू में 1000 रुपया माइनस में दिख रहा है। अब आप इसी आउटवर्ड कॉलम के नीचे में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटवर्ड कॉलम में 100 पीस दिख रहा है और वैल्यू में कितना दिख रहा है दोस्तों, 4000 दिख रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपका कस्टमर कह रहा है कि हम 40 रुपये के हिसाब से ही पेमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 रुपया मल्टीप्लाई 100 पीस कितना होता है, 4000 रुपया। यहाँ भी आपको 4000 रुपया ही दिख रहा है। क्लियर है दोस्तों।
तो ये इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करने का। ये तो हो गई तीसरी क्रेडिट नोट। अब दोस्तों चौथा टाइप हम देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं कस्टमर के लेजर में और सबसे पहले इस एंट्री को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने 50 रुपया पर पीस के हिसाब से फ्रेट चार्ज किया, लेकिन आपका कस्टमर कहता है कि नहीं, हम आपको 30 रुपये पर पीस के हिसाब से ही फ्रेट का पेमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में क्या होता है कि कस्टमर आपको एक डेबिट नोट दे देता है, या फिर नहीं भी देता है तो कहता है कि आप एक क्रेडिट नोट दे दीजिए। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, एक क्रेडिट नोट पास करना होगा। तो आइए देखते हैं उसका एंट्री कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे ऑल्ट प्रेस करते हैं, क्रेडिट नोट में जाते हैं, कंट्रोल एफ8, इसे हम कर लेते हैं अकाउंटिंग मोड में, कंट्रोल प्लस वी। यहाँ पे हम डाल लेते हैं बिल नंबर, डेट, कस्टमर का नेम, अमाउंट। अमाउंट में दोस्तों क्या आएगा, आपका कस्टमर कह रहा है कि आपने 50 रुपये पर पीस के हिसाब से फ्रेट चार्ज किया है, लेकिन हम आपको 30 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से ही पेमेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे 20 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, 100 पीस मल्टीप्लाई 20, यानी कि 2000 रुपये का क्रेडिट नोट का एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट कितना दोस्तों, 2000। क्लियर है। अब आपसे पूछा है टाइप्स ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस, जिस बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू हो रहा है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों डेबिट साइड में क्या आएगा, तो दोस्तों डेबिट साइड में यहाँ पे फ्रेट का लेजर आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे फ्रेट के अमाउंट का क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। ठीक है, आपके फ्रेट का अमाउंट का कटौती किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे फ्रेट को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर रेट में, अगर स्टॉक आइटम के रेट में डिफरेंस होता तो हम सेल अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, अगर पैकिंग चार्ज के रेट में डिफरेंस होता तो हम पैकिंग चार्ज सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फ्रेट के रेट में डिफरेंस है तो हम फ्रेट का लेजर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस इंटर करके मैरेसन लिख करके इसे हम एक्सेप्ट करा लेंगे। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट नोट आपका 2000 रुपये का पास हो चुका है। अब दोस्तों हम फ्रेट के लेजर में आते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो फ्रेट के लेजर में आप देख सकते हैं कि पहले 5000 रुपया फ्रेट चार्ज किया गया था 50 रुपये पर पीस के हिसाब से, लेकिन पार्टी ने कहा कि भैया हम तो आपको 30 रुपये पर पीस के हिसाब से ही फ्रेट दे पाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 20 रुपये के हिसाब से क्रेडिट नोट का एंट्री कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या आया, फाइनल रिजल्ट आया जैसा कि आप यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में देख सकते हैं कि 3000 रुपया दिख रहा है, यानी कि 30 रुपये के हिसाब से फाइनल रिजल्ट आ गया है। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी तरह का क्रेडिट नोट का एंट्री टैली में आसानी से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही नए वीडियो के लिए परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।